सो हे गाइस, आगे हमारे नए वीडियो के साथ आज मैं बताऊंगा फैटल ब्लेड मोड में आप कैसे गार्डियन सैमुराई को हरा सकते हैं आप। तो आज मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस देखिए, एक ही मैच में देखिए मैं वाइप्ड आउट हो गया था। पहली बार जब हम लोग लास्ट तक सर्वाइव किए थे तो इनटू वन उसकी पावर बची थी, फिर उसने हमें डिफीट कर दिया था, वाइप्ड आउट कर दिया था सिंपल भाषा में। तो भाई चलिए चलते अब दूसरी तरफ से, मतलब दोबारा से स्टार्ट किए मैच को, मतलब उसी के अंदर वाइप आउट होने के बाद दोबारा से स्टार्ट जाता है, उसकी फुल पावर हो जाती है। तो देखो क्या हम दोबारा से आ गए उसको किल करने के लिए। ये देखो भाई, ओ भाई आते ही देखो क्या खतरनाक जम मारी। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की इसमें, जो चारों तरफ पिलर हैं, देखो गाइस वो जो पिलर है, एक ओवर उधर लेफ्ट साइड में और एक मेरे राइट साइड में और पीछे भी लेफ्ट साइड में, एक पीछे भी राइट साइड में, चार पिलर हैं, उनमें से ना सबको ब्लिंक करते रहना है। देखो गाइस अब वो ब्लिंक नहीं कर रहा ना मेरे सामने वाला टावर, अगर उसको मैं यूज़ करूँगा तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा, और उसी की वजह से जब ये बिजली कड़काते हैं ना तो उसके अंदर ब्लू जोन बन जाते हैं, तो हम इसके अंदर छुप सकते हैं, तो हम वाइप्ड आउट नहीं हुए। देखो ये देखो ब्लिंक कर रहे नहीं, तो हमें यही करना है, इसको हमेशा ब्लिंक करते ही रहना है। अगर ये बंद हो गया ना और अगर इसने बिजली कड़का दी तो हम सब वाइप्ड आउट हो जाएंगे और फिर गेम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यही सब करना है, बच बच के खेलना है, उसको डैमेज देना है। ये देखो भाई कितना गदर कूदता है यार, ये क्या करूँ मैं, ससुर इतना डैमेज देता पता नहीं किस चक्की कांटा खाते हुए। ओ भाई क्या भाई क्या गदर कर रहा है लोंडा। ओ भाई गार्डियन सैमुराई है भाई, ज़्यादा उछल रहा है। ओ भाई इसके हेड पे डैमेज ना भाई। देखो सामने वाला प्लेयर अभी ब्लिंक कर रहा है ना, या हमारा वाला प्लेयर ब्लिंक कर रहा है, हम तीनों प्लेयर इधर ही हैं और डैमेज दे रहा है, छुपे खेल रहे हैं। ओ भाई ये भी बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा है। और इसका भाई ये बात अच्छी लगी, इसमें ना अच्छी गन की स्किन दे देते जो भी बढ़िया गन है, ये बात सही लगी भाई। और भाई देखो इसकी इंटू फोर पावर अभी भी, इसकी इंटू फोर पावर और हेड पे ही मार रहा हूँ मैं, और ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है। देखो भाई एक ही बार तलवार मारता पूरा हेल्थ खा जाता है। देखो भाई अब मैं इसको यूज़ करूँगा, मेरी हेल्थ बढ़ाएगा और ये ब्लिंक करते ही रहेगा। ओ भाई देखो इसका मुंडी उसमें अटक गया इसके छत में। ओ भाई ऐसे देखो भाई, ये देखो भाई कितना गदर अटैक कर रहा भाई, एक ही बार में पूरी एचपी खत्म कर रहा है। भाई इस वीडियो लाइक कर देना ठीक है, इसी बात पे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। क्या इसको मिशन कम्प्लीट करना है, मतलब जीतना है। सो गाइस हमें इसको जीतने के लिए इसे हराना पड़ेगा। देखो भाई एलिमिनेट कर देना यार, कितना गंदा खेलते हैं ये, इसको हराना मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। अगर हमें जॉम्बी को हराना है गार्डन से हमारे, देखो गाइस ब्लू जोन आ गया ना, मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे जैसे ब्लिंक करेगा ना तो यहाँ पे ब्लू जोन आ जाएगा, इसके अंदर हम छुप सकते हैं। वो बिजली कड़का रहा है, अभी देखना वाइप आउट होगा जो जो बाहर था। देखो दो वाइप आउट हो गए, फर्स्ट नंबर और फोर नंबर वाइप आउट हो गया, क्योंकि वो ब्लू जोन में नहीं था, एक उधर ब्लू जोन बना था तभी मेरा दोस्त दूसरे नंबर वाला उधर छुप गया था। ये देखो गाइस ये वाला ब्लिंक नहीं कर रहा, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा ब्लिंक करेगा, और अगर इस बार वो बिजली कड़काएगा ना तो इधर ही जोन बन जाएगा जहाँ जहाँ ब्लिंक कर रहा था, उधर वाला देखना बंद हो गया, अभी इधर वाला जल रहा है उधर वाला जल रहा है। देखो गाइस ये दोनों ब्लिंक कर रहे हैं ना, और देखो दोबारा उसने बिजली कड़के उधर वाला ब्लिंक कर रहा था, देखो ब्लू जोन आ गया। ये देखो वहीं पर इसके हेड पर मार रहा हूँ, मौका मिले तो गाइस हेड पर मारो इसके हेड पर, देखा कितना सारा डैमेज दिया इनटू फोर पावर। ये देखो गाइस मौका मिलते डैमेज, तो देखो ये बंद हो गई इसकी बिजली, मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा इसको, ब्लिंक करना पड़ेगा। मेडिएट पत्नी कुछ ऐसे लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, देखा नहीं मैंने, मेडिटेट ऐसी है, मेडिटेट है, हमें इसको यूज़ करना है। देखो गाइस ये देखो भाई कितना डैमेज दे रहा हूँ मैं इसको, ओ भाई उससे बहुत गंदा डैमेज दे मेरे को, मैंने इसको ब्लिंक किया था, देखो ब्लिंक हो गया। ये देखो गाइस अब इस बार ब्लू जोन आएगा ना तो मैं इधर ही बच जाऊँगा। ये देखो देखा गाइस, देखो मेरे सामने वाले दोस्त ने भी उसको यूज़ किया, उसका भी हो गया। देखो गाइस मौका मिलते ही हेडशॉट पे हेडशॉट मारो उसके जितना हो सके उतना। देखा उसने तलवार दबेंडी मारा और हम लोग वाइप्ड आउट नहीं हुए, क्योंकि हम लोग ब्लू जोन के अंदर थे यार। ये देखो भाई इसको हमें हमेशा ब्लिंक करते रहना है, करते रहना है। सामने वाले देखो बंद हो गया ना ब्लिंक करना, वो देखो भाई उस सामने वाले भाई कितना डैमेज दे रहे हैं। देखो भाई चालू हो गया ना ब्लिंक करना, ओ भाई जितना हो सके उतना हेड पे मारो उसके हेड पे। ओ भाई ये देखो भाई देखो ब्लिंक कर रहे हैं, नहीं इसको यूज़ कर मेडिकेट। ओ भाई देखा फिर से यहाँ पे ब्लू जोन बन गया, उधर भी ब्लू जोन बन गया, ये यहाँ पे सेफ रहेगा। देखो भाई हेडशॉट नहीं लग रहा, बीच में उसके हाथ हैं, हाथ सारी गोलियाँ लग गई उसके। देखा भाई ब्लिंक करना बंद हो गया, दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ मैं, फिर चालू। देखा भाई हेडशॉट पे हेडशॉट मारूँ मैं उसके, हेडशॉट पे हेडशॉट।
और कैसे उड़ते जाते हैं। सर्वर ने फ्लैश का बड़ा पुसाला। बढ़िया चल रहे ना भाई, मज़ा आ रहा है भाई खेलने में, एकदम गदर चल रहा है गेम। अगर इस बीच में इसमें कोई आवाज़ आए फालतू की तो उसको इग्नोर कर देना यार, ये फालतू की बकवास करते रहते हैं आसपास के लोग। आसपास क्या मेरे घर की है, क्या बोलूँ मैं रहने। देखो भाई देखो आते ही देखो ब्लू जोन में तुरंत ही आ गए जैसे मैं। देखो भाई अब उसको डैमेज दे रहा हूँ मैं, डैमेज पड़ा ना किसी गदर वाला डैमेज। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टिप्स एंड ट्रिक्स क्या बोल रहे हैं यार, टिप्स एंड ट्रिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी पता चले इस मोड को जीते कैसे, मतलब गार्डियन सैमुराई को हराए कैसे। गाइस देखो सामने वाला बंद हो गया, अभी मुझे इसको ब्लिंक करना है। लो भाई ब्लिंक हो जाओ, मेरे को मेडिकेट भी दे दे जल्दी से, हेल्थ बढ़ा दे। देखो गाइस अब वो जा रहा है उसको तबाह करने, ये पिलर्स को मैं तबाह करने से बचाने, लास्ट मोमेंट पे यही होता है वो पिलर को तबाह कर देता है, जिससे हम बचते ना उसी को तबाह करने के लिए आते हैं। देखो गाइस ऐसे तबाह करने के लिए बैठे ना, दो प्लेयर्स को एक साथ तबाह करता है तो उसके हेडशॉट मारो बैठ जाते हैं। जब ये ऐसे बैठ जाए ना तबाह करने के लिए आते तो आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, डैमेज नहीं देगा, सिर्फ प्लेयर्स को तबाह करेगा। और ये सिर्फ तबाह करने जाता है, और जब ये तबाह करे तो इसके हेडशॉट मारो, जब ये तबाह करते हैं ना तो आप लोगों को डैमेज नहीं देगा, मतलब हमें भी डैमेज नहीं देगा, किसी को डैमेज नहीं देगा। जब ये तबाह करने के बाद आएगा ना तब डैमेज देगा, तब सबको वाइप आउट करेगा। एक बार नोटिस करो हेडशॉट मारना है, और यहाँ पे ऐसे रखना कि एक प्लेयर के साइड में दो या तीन लोग उसको ना देखते रहे, मतलब बचाव करते रहे। ये देखो गाइस वहाँ पे दो तीन लोग उधर रेस नहीं जा रही उसकी, इधर ही रेस जा रही उधर तबाह करी, इसलिए मैं इसको रो करूँ। देखो गाइस देखा आपने, इसको मैं तबाह करूँ, देखा उसकी रेस उधर नहीं जा रही, इसलिए वाला प्लेयर बच जाते हैं, मैं एलिमिनेट हो गया, वो तीनों उसको सेफ्टी कर रहे थे इसलिए वो लोग नहीं हुए, सिर्फ मैं ही एलिमिनेट हुआ है। गाइस ये टिप्स है, तीन लोग उसको सेफ्टी करें एक प्लेयर को, और एक लोग उसके हेडशॉट पे हेडशॉट मारे। गाइस देखा आप लोगों ने मैं उसको इतना डैमेज दिया, देखो सिर्फ इनटू वन की पावर बची। देखो अभी भी डैमेज दे रहा हूँ मैं, M60 भी सही है। ये देखो भाई अभी देखना दोबारा से मैं वाइब्रेट हो जाऊँगा, सिर्फ मैं ही वाइब्रेट होऊंगा, देखना मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ, वो सब तीनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं पिलर को। देखा नोटिस किया आपने एक बात, यही है गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स, तीन लोग या फिर दो लोग उसको सेफ्टी करें पिलर को, ताकि वो तबाह ना हो पाए एक प्लेयर, जिसमें से कि सेफ्टी रहे, मतलब कि सिर्फ एक ही या फिर दो वाइप आउट हो, बाकी सब मत हो, मतलब वाइप आउट नहीं एलिमिनेट हो, वाइप आउट में तो सभी हो जाएंगे। देखो प्लेयर को सेफ्टी करें ना, ऐसे हमें कोऑर्डिनेशन बनाए रहना है, आपको उसके साथ नहीं खेलना है, मतलब रैंडमली प्लेयर के साथ नहीं खेलना है, स्क्वाड के साथ खेलना है, ताकि तुम्हारी बात माने। वैसे तो मैंने रैंडमली प्लेयर के साथ खेला, स्क्वाड बढ़िया मिल गई सुबह के टाइम पे, तो इसलिए मेरे लिए तो बढ़िया रहा, इसलिए बढ़िया मैच हो भाई। और क्या बोले M14 ये रही भाई, देखा ब्लू जोन आया था यहीं पे, आप लोगों ने नोटिस किया ब्लू जोन यहीं पे आया, क्योंकि ब्लिंक कर रहा था, ब्लिंक करना बंद हो गया, और दोबारा से इसको ऑन करना पड़ेगा ब्लिंक करने के लिए। ये देखो भाई इसको ऑन करना पड़ेगा ब्लिंक करने के लिए, देखा ऑन हो गए, मैं इसको दोबारा से यूज़ करने सोचा था, लेकिन फिर भाई इसको ख़त्म कर दिया। देखा ये देखो वापस आ गया, मैं जैसे एलिमिनेट हो गया था ना भाई, देखो उसकी बहुत पावर कम हो चुकी है, और दोबारा से तबाह करने के लिए जा रहा है, दोबारा से उधर ही जाएगा तबाह करने के लिए, देखना स्टार्टिंग से दोबारा तबाह करने के लिए जाएगा, लाइन से तबाह करता है, ये नहीं कि उसको तबाह करते यहीं पर तबाह करेगा, उसको डैमेज देने के लिए मुझे वापस वहीं पर जाना पड़ेगा, जैसे कि पहले मैंने शॉटगन से हेडशॉट देते इसके, वैसे ही मुझे डैमेज देना है। वैसे देखो डैमेज पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ रहा लॉन्ग रेंज में, 45-46 के इतना ही पड़ रहा है। देखो अब शॉर्ट रेंज में जाऊँगा, जैसे वो आ रहे देखो उसको डैमेज दूंगा, देखा देखना हेडशॉट मारना उसको, हेडशॉट 300 का 250 300 से ऊपर ही पड़ रहा भाई। ये देखो गाइस देखा सैमुराई डिफीट हो गया, गार्डियन सैमुराई डिफीट हो गया हमसे। देखो गाइस गाइस सबसे ज़्यादा मेरी है वो डैमेज, मेरा है 68K इसके आसपास है सबसे ज़्यादा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। देखो गाइस मिशन अकम्प्लिश हो गया, डिफीट द सैमुराई, डिफीट हो गया सैमुराई। देख लो गाइस देख लेते हैं, अब सैमुराई कहीं दिख नहीं रहा, उसकी तलवार रखी है सिर्फ, अब उसकी तलवार मैं लेकर भागने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको मार दिया, हरा दिया, जीत गए, और भाई मज़ा आ गया इसी साथ में। देखो गाइस मेरे सबसे ज़्यादा 68 के सबसे ज़्यादा है। तो गाइस चलो देख लेते हैं, हमें कुछ बक्सा टाइप का मिला था, ये पहले रिवॉर्ड ले लेते जो भी है, जो बक्सा टाइप का था उसको ओपन करके देखता हूँ। ये रहे थे क्रेट, क्या मिलता है इसमें देखते हैं, खुल जा सिम। ओ भाई ये लड़की वाले ड्रेस तो मैं यूज़ करता नहीं, कोई बात नहीं।